नमस्कार, मैं हूं अभिजीत भारद्वाज। आप देख रहे हैं लाइव झारखंड ब्रेकिंग। वक्त हो चला है दिन भर की खबरों का। खबरें दिन भर के प्रायोजक हैं शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी, गोकुल रेस्टोरेंट, आवरण होम प्लस, बाल कल्याण संघ और जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड। सुर्खियों पे एक नजर डालते हैं। विधानसभा का सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नव निर्वाचित विधायकों ने ली विधायक पद की शपथ। झामुमो के रविन्द्रनाथ महतो होंगे विधानसभा अध्यक्ष, आज किया नामांकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से ली विधायक पद की शपथ। दुमका सीट से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना। और गुण दोष के आधार पर सरयू राय समर्थन कर रहे हैं हेमंत सरकार को। अब खबरें विस्तार से। पांचवें झारखंड विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता समेत नौ निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। सत्र के दूसरे दिन कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि अगले दिन यानी 8 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विपक्ष की भूमिका निभा रहे भाजपा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र के दौरान भाजपा बगैर नेता प्रतिपक्ष के सदन में है। पार्टी सूत्रों की माने तो 14 जनवरी के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुनेगी। इस सत्र की खास बात यह है कि कूटे में विधानसभा का नया भवन तैयार हो जाने के बाद भी हेमंत सरकार ने पुराने भवन में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया। विधानसभा की कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात भी की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाला से विधायक रविन्द्रनाथ महतो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की ओर से स्पीकर पद के लिए रविन्द्रनाथ महतो ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। विपक्ष की ओर से भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी को भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इस वजह से रविन्द्रनाथ महतो का विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध रूप से चुना जाना तय है। कल झारखंड विधानसभा को रविन्द्रनाथ महतो के रूप में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन बरहेट विधानसभा सीट से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन दुमका सीट अपने पास रखेंगे या फिर बरहेट विधानसभा सीट। दुमका विधानसभा सीट को हेमंत सोरेन जल्द ही छोड़ देंगे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दुमका विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। गौरतलब है कि दुमका विधानसभा सीट सोरेन परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माने तो दुमका से उनका आत्मीय लगाव रहा है। यहाँ की गलियों और मोहल्लों में उनका पूरा बचपन गुजरा है। सिद्धू कानू के जन्म स्थल, उनके शहीद स्थल भोगनाडी बरहेट को चुना है और हमने दुमका विधानसभा चुनाव को छोड़ा है। विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को शिकस्त देने वाले और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले सरयू राय ने कहा है कि गुण दोष के आधार पर वह हेमंत सोरेन सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें निष्कासित किया है, इसलिए भाजपा के किसी भी मुद्दे पर वे अपनी विचार नहीं रख सकते हैं। सरयू राय ने साफ कर दिया कि भाजपा विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार देगी या नहीं, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इसके अलावा विधायक दल का नेता चुनना भी पार्टी का आंतरिक मसला है। नहीं, आप भी तो रहे हैं इतने सालों तक, क्या हार से हताशा में भाजपा चली गई, इसलिए वजह से प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं कर पा रही है, विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रही है। सर, विधानसभा में आपकी भूमिका कैसी रहेगी? अब देखिए, हमने आपकी भूमिका क्या रहेगी, पक्ष की या विपक्ष की, मैं उनको तटस्थ है, तटस्थ में निर्दलीय है, तटस्थ तो नहीं है, निर्दलीय है। गुण दोष के आधार पर सरकार को समर्थन होगा। जिन मुद्दों पर आपकी विचार भिन्नता थी वो मुद्दे अभी भी सदन में जिंदा रहेंगे आपकी तरफ? नीचे करो यार, सदन आरंभ हो जाएगा। अच्छा दादा, एक सवाल है कि अब सरकार में थे तब भी सरकार की अगर कोई गलत नीतियां थी उसका विरोध करते, तो वर्तमान सरकार भी अगर इस तरह से कुछ अपुल के आधार पर समर्थन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा का सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नव निर्वाचित विधायकों ने ली विधायक पद की शपथ। झामुमो के रविन्द्रनाथ महतो होंगे विधानसभा अध्यक्ष, आज किया नामांकन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा सीट से ली विधायक पद की शपथ। दुमका सीट से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना।
और गुण दोष के आधार पर सरयू राय समर्थन कर रहे हैं हेमंत सरकार को। लाइव झारखंड ब्रेकिंग में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।